Now is question number 4, part B. Okay, who will tell me the statement? First line कौन बताएगा statement की? Everyone should raise the hand. Raise your hands. Raise your hands. Others don't know how to frame. Hurry up. All of you should raise. Statement is cost of 5 kg of wheat is rupees 91.50. What quantity of wheat can be purchased in rupees 183? First line, yes. The amount of wheat purchased in rupees 91.50. Amount of wheat purchased in rupees 91.5 is equal to 5 kg. Amount of wheat purchased in rupees 5 divided by 91.50. 5 divided means 91.50/100. Decimal का chapter कर लिया है ना आपने? ठीक है? अब convert करिए इसको. 5 multiply. डेसिमल हो, डिवीजन हो, तो आप क्या करो कि डेसिमल का पहले 100 बना लो. अगर यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट होता तो क्या बनता? 10. फिर अगर आपका डिवीजन का साइन है तो डिवाइड का टेबल थोड़ी ना चलाओगे 51/100 ये इसका 9150 का. तो क्या करते, इसको टर्न कर लेते. टर्न करके ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और 9150 नीचे आ जाएगा. 0 से 0 कैंसिल, 5 1 से 5 8 the 5 3 the this is 10 by 183 kg. अब कितनी अमाउंट चाहिए? 4 rupees 183. इन द स्टेटमेंट वी हैव rupees 183. दैट मींस दिस नंबर विल बी मल्टीप्लाइड बाय 183. 1 1 10. दिस स्टेप इज न्यू फॉर यू. आपने पहले नहीं किया. ओके, एक बार फिर से आपका रिपीट कर देते हैं. जब आपका डिवीजन में डेसिमल आ गए, डिवीजन तो आप डेसिमल को रिमूव कर दो 100 या 10 या 1000 के साथ, जैसे जितने भी जीरो से, फिर डेसिमल को डिवाइड को कन्वर्ट करो मल्टीप्लिकेशन में. और जो बाद का नंबर है ये कभी भी उल्टा नहीं होगा. जो डिवीजन के बाद है इसको टर्न करो. टर्न कर दिया, जितना कैलकुलेशन हो जाएगा ठीक है, दैट इज ओके. तो ये आपका जितना कैंसिल हो जाए. ओके,
अगर